चलिए रुकेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, चंडीगढ़ से आ रही है बड़ी खबर। थोड़ी देर में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। पंजाब सचिवालय में होगी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम भगवंत मान करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 300 यूनिट फ्री बिजली के फैसले पर मोहर जो है वो लग सकती है। फिलहाल आपको बता दें कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने जा रही है। सीएम भगवंत मान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 300 यूनिट फ्री बिजली पर मोहर लग सकती है, जो आम आदमी पार्टी का जो चुनावी एजेंडा भी रहा, चुनावी मैनिफेस्टो में भी उस बात का उल्लेख था। और अब जब सरकार पंजाब में बन गई है तो उसके बाद अब इस पर मोहर, इस फैसले पर जो मोहर है वो लगनी यहां पर तय मानी जा रही है। तो सीएम भगवंत मान करेंगे बैठक की अध्यक्षता और कई महत्वपूर्ण फैसले पंजाब की जनता के हित में जो है वो लिए जाएंगे। तो आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, बड़ी जानकारी। तो थोड़ी देर में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। कई मायनों में अहम ये बैठक मानी जा रही है। कविता सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, पंजाब कैबिनेट की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है और कई मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है हर दृष्टि से। जी बिल्कुल, बता दूं कि पंजाब कैबिनेट की बैठक जो है वो 11 बजे पंजाब सचिवालय में होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे। और आपको बता दें कि ये बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल और परसों जो दिल्ली में मीटिंग चल रही थी बिजली को लेकर, सोमवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बैठक करी, और उसके बाद आज अगर बात की जाए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, तो काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि माना जा रहा है कि शायद जो चुनावी वादा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था कि मुफ्त 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी, वो शायद आज कहीं ना कहीं पूरा होता भी नजर आ रहा है। क्योंकि शायद आज इसको लेकर जो है वो फैसला किया जा सकता है, क्योंकि कल मीटिंग खत्म होने के बाद भगवंत मान की ओर से भी ट्वीट किया गया था, जिसके उन्होंने लिखा था कि जल्द ही पंजाब के लोगों को एक खुशखबरी दी जाएगी। तो कह सकते हैं, माना जा रहा है कि शायद चुनावी वादा जो है वो पूरा किया जा सकता है। और इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में रूरल फंड डेवलपमेंट को लेकर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर एतराज जताया था कि जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उसमें जो है किसानों व मजदूरों के कर्ज माफी का जो खर्चा है वो ना निकाला जाए, वो बंद किया जाए, और केंद्र सरकार ने एतराज जताया था। तो इस पर भी आज जो है वो भी बातचीत हो सकती है। और इसके साथ ही खनन माफिया को लेकर भी एक बातचीत हो सकती है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो सत्ता में आएगी तब उन्होंने कहा था कि इसको लेकर जल्द कार्रवाई जो है वो की जाएगी, तो उस पर भी जो है बातचीत की जा सकती है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, काफी अहम बैठक ये जो है वो रहने वाली है। जी जाहिर तौर पर कविता, और क्योंकि खासकर जो चुनावी वादे हैं मैनिफेस्टो में, जो उन्होंने चुनावी वादे सत्ता में आने से पहले किए थे, अब चुनौतियों के साथ साथ उनके दायित्व जो है, जो जिम्मेदारी है वो ये भी बन जाते हैं कि पंजाब की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करके देना है। जिस नए पंजाब के जिक्र जो है वो बार बार चुनावी मंचों से होता था उन्हें पूरा करके देना है। एक नए पंजाब का जो तस्वीर जनता को दिखाई थी वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी उस दिशा में भगवंत मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बढ़ रही है आगे। जी बिल्कुल, चुनावी वादा था पंजाब में 300 यूनिट जो है वो बिजली मुफ्त देने का, जिसको लेकर जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई सबसे ही विपक्ष जो है वो उस पर निशाना साधने लगे कि ये चुनावी वादा था कि कब पूरा किया जाएगा। इसको लेकर दो दिन से लगातार बैठकों का दौर जो है वो भी दिल्ली में जारी था। एक दिन जो है वो पंजाब के बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, और उसके बाद मंत्री के साथ बैठक की गई, जिसमें हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार निशाना जरूर साध रहे हैं कि पंजाब की सरकार जो है वो दिल्ली सरकार के इशारे पर चल रही है। इस पर काफी जो है कह सकते हैं बयानबाजियों का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन कल जब बैठक खत्म हुई तब उसके बाद भगवंत मान द्वारा एक ट्वीट भी जरूर किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि पंजाब के लोगों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो जाहिर तौर पर क्या लगाए जा रहे हैं कि मुफ्त बिजली को लेकर जो है वो आज कैबिनेट की बैठक में कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही कई और जो चुनावी वादे मुद्दे थे वो भी जरूर इसमें रखे जा सकते हैं, लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना जो है वो प्राथमिकता जो है वो आम आदमी पार्टी की। ठीक, लेकिन चुनौती यहाँ पर ये भी है कि सबको बिजली देने का, जो फ्री बिजली देने का जो फैसला है वो किया है, लेकिन जो पहले से पंजाब पर कर्ज बना हुआ है
उसे किस तरीके से पूरा यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जो जानकारी है कि सबको मुफ्त बिजली देने के लिए सरकारी खजाने पर 5,000 करोड़ का भार पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, अगर इसी मुद्दे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही किसानों को जो है वो मुफ्त कुछ यूनिट जो है वो बिजली दी जाती थी, जिससे जो है ऑलरेडी 7,000 करोड़ का जो कर्जा है वो पंजाब सरकार पर था। लेकिन अगर अब पूरा एक मायना देखा जाए तो 23,000 करोड़ का जो है वो कर्जा पंजाब सरकार को फिर देखना पड़ेगा। हालांकि अब किस तरीके से जो है काम किया जाता है इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक जो है वो जरूर हो चुकी है, लेकिन आज कैबिनेट में भी एक बार जो है इस पर डिस्कशन जरूर होगी, क्योंकि क्या माना जा रहा है, ये भी सूत्रों से पता चला है कि बिजली को लेकर काफी जो कर्जा है वो भी पंजाब सरकार पर है, तो किस तरीके से ये पूरा किया जाएगा इस पर भी जरूर आज कैबिनेट जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कविता सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।